875 वोटों से शिवराज के मंत्री की हुई करारी हार। आखिरी राउंड में कांग्रेस ने पलटी बाजी, दर्ज की जीत, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के हरदा जिले की सबसे हॉट हरदा सीट से कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के आरके दोगने ने कमल पटेल को 872 वोटों से पराजित किया है। जानकारी के अनुसार कमल पटेल को 93,275 वोट मिले, वहीं आरके दोगने को 93,485 वोट मिले हैं। दूसरी ओर तिमरनी से बीजेपी के संजय शाह अपने भतीजे और कांग्रेस के अभिजीत शाह से 950 वोटों से चुनाव हार गए हैं। तिमरनी विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के संजय शाह ने कांग्रेस के अभिजीत शाह को हराया था। इस बार भी दोनों पार्टियों ने संजय शाह और अभिजीत शाह पर दांव लगाया है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त फाइट है। हरदा विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। हरदा विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल पटेल ने कांग्रेस के आरके दोगने को हराकर सदन में पहुंचे थे। हरदा विधानसभा सीट बैतूल संसदीय क्षेत्र में आती है। यहां से बीजेपी के दुर्गादास उइके सांसद हैं। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है।